हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। आज भिवंडी के कामतगर इलाके में पाया गया 23 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक। भिवंडी के IGM हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती। भिवंडी शहर की कुल तादाद पहुंची 14 पर। भिवंडी महानगर पालिका के कम्युनिटी किचन सेंटर का चावल खत्म होने से 6000 मजदूर आज भूखे मरने की नौबत पर। नगर सेवक नीलेश चौधरी ने बताया कि महानगर पालिका कम्युनिटी किचन को सिर्फ एक ही दिन का राशन पहुंचाती है, जिसके खत्म होने से आई है ये नौबत। भिवंडी क्षेत्र के सभी अधूरे निर्माण कार्य को इस लॉकडाउन के दौरान पूरा करने के लिए थाना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने मंजूरी दे दी। साथ ही साथ मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए भी कहा। पुलिस वैन में टिकटॉक बनाना पड़ा दो युवकों को भारी। दो नवयुवक लड़कों ने कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के रोड पर खड़ी पुलिस वैन में घुसकर बनाया था टिकटॉक वीडियो। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जानकारी में आया, पुलिस ने तुरंत दोनों को अरेस्ट किया। कल्याण के उल्लासनगर में एक 87 वर्षीय महिला के निधन के बाद आया कोविड टेस्ट पॉजिटिव। वहीं कल्याण रीजन में बुधवार को 13 पॉजिटिव केसेस पाए गए, जिससे KDMC का आंकड़ा पहुँचा 156 पर। पुणे और मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जून तक एक्सटेंड कर सकती है लॉकडाउन। साथ ही खबर है कि लॉकडाउन में ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। पालघर लिंचिंग केस में पालघर पुलिस सुपरिटेंडेंट गौरव सिंह ने 35 पुलिस कर्मियों को किया ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की वजह बताई वारदात की रात पुलिस की नाकामी। मुलुंड में एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी की वजह लॉकडाउन के चलते सैलरी डिडक्शन बताई गई। मृतक के सर पर मां, बीवी और दो बच्चे की थी जिम्मेदारी। आज इंडिया में 1823 नए कोरोना मामले आने के बाद इंडिया का कुल आंकड़ा पहुंचा 33,610, जिसमें से 8,373 लोग अब तक हो चुके रिकवर और 1,075 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं महाराष्ट्र में भी अब तक 9,915 लोग हो चुके कोरोना संक्रमित, 1,593 लोग हो चुके अब तक रिकवर, 432 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कम किराए पर उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट ने अपने पायलटों को अप्रैल और मई की सैलरी न देने की है घोषणा। सिर्फ कार्गो पायलट्स कर रहे अपनी ड्यूटी, बाकी सभी को तत्काल छुट्टी दी गई है। स्टॉक मार्केट में नजर आया आज भारी तेजी। सेंसेक्स 997 अंकों की उछाल के साथ 33,717 पे हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 306 अंकों की बढ़त के साथ 9,859 पे हुआ बंद। गोल्ड में नजर आई हल्की सी मंदी, 45,373 पे ट्रेड करते हुए। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।